नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा और आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। हमारे साथ वो मौजूद है जिन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही है अपने भाषण में। सर, क्या बात थी वो जरा बताइए। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विजय मुंजाल, ऑल इंडिया ओवरसीज बैंक एम्प्लाइज यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने जो बात कही है वो आज के संक्षेप में सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। वो बात ऐसी थी कि एक बार एक शहर में बिना किसी कारण के सरकार ने टोल लगा दिया। वो टोल लगा दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो कोई भी जनता का कोई भी आदमी उससे कोई परेशान नहीं हुआ। उन्होंने उसको टोल को देना शुरू कर दिया। 20 रुपये से शुरू हुआ, कुछ दिनों में टोल सरकार ने देखा कि कोई बोल नहीं रहा तो उसको 50 रुपये कर दो, फिर भी कोई नहीं बोला। सरकार ने देखा अब भी कोई नहीं बोल रहा तो उन्होंने 100 रुपये कर दिया, तब भी कोई नहीं बोला। अब 100 रुपये देने के बाद सरकार ने देखा कि अजीब लोग हैं तो बोलते ही नहीं है, तो क्यों ना इनको एक एक जूता भी मारा जाए। तो 100 रुपये टोल लेने के साथ साथ उनको एक एक जूता भी मारना शुरू कर दिया। लेकिन वो जूता मारने वाला आदमी एक ही रखा, जो एक बार इस साइड मारता और दूसरी बार उस साइड मारता। तो बड़ी परेशानी होने लगी, लंबी लंबी लाइन लगने लगी। तो तब जाके एक आदमी का जमीर क्या जागा, वो जागा ये कि उसने जाके सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपने जो टोल लगाया हो सकता है आपकी राय में ठीक हो, लेकिन आपने जो जूता मारने वाला आदमी रखा है वो सिर्फ एक रखा है, उसकी वजह से बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उस जूते मारने वाले आदमी को 2 किया जाए। तो यही आज के संक्षेप में सरकार कर रही है। सरकार ने देखा कि सरकारी बैंक जो है बिल्कुल सही चल रहे हैं, उसमें जो NPA है वो बड़े बड़े घरानों का NPA है। जो लोन डूबते हैं वो बड़े बड़े घरानों के डूबते हैं। एक आम रेडी वाला 10,000, 15,000, 20,000 पे उसका कोई नहीं डूबता, वो बेचारा अपनी हार्ड कोर कमाई से उसको चुका भी देता है। लेकिन जो बड़े बड़े घरानों के लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो अब उनको बैकडोर एंट्री देनी है, उनको कैसे भगाना है, क्यों ना इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अब प्राइवेटाइजेशन के लिए नीतियाँ अपनाओ, पहले मर्जर करो। मर्जर में कोई नहीं बोला, वो टोल वाली बात, मर्जर में कोई नहीं बोला तो ठीक है, अब इनको उठा के प्राइवेट कर दिया जाए। प्राइवेट करने से निजी हाथों में जाएगा, ना RTI लगेगी, ना कोई पूछने वाला होगा, ना कोई जवाबदेही होगी, कुछ भी। अपने ही निजी आदमियों को लोन दिए जाएंगे, अपने ही निजी आदमियों के लोन माफ़ किए जाएंगे, और उसके अलावा जो कर्मचारी का हित है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसका कोई टाइमिंग नहीं रहेगा। उसको जो फैसिलिटी आज मिलती है, जो एक हमारे कर्मचारी नियम अधिनियमों के अनुसार उसको मिलनी चाहिए, उसका कोई टाइमिंग नहीं रहेगा, उसको कोई फैसिलिटी, उसकी कोई गारंटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जब मर्जी आएगा उसको निकाल दिया जाएगा, जितने पे मात्र कुछ रुपयों में उसको रख लिया जाएगा और उनका जो अधिकार है उनका हनन होगा। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार इस निजीकरण को क्यों करना चाहती है। आप एक बात देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से पहले भी कई बार सरकार तक ये बात पहुंचा चुका हूं कि सरकार जो है निजीकरण का मुद्दा बनाती है बैंकों में NPA को लेके। अब आप NPA देखिए, NPA क्यों होता है, NPA होता है उसमें से एक विलफुल डिफॉल्टर होता है जो कि जानबूझ के लोग उसको पे नहीं करते, तो उसके लिए सरकार कड़े कानून क्यों नहीं बनाती। आप देखिए ट्रैफिक में है, अगर कोई आदमी हेलमेट नहीं लगाता 2,000 का चालान कर दिया, रेड सिग्नल को पार कर जाता है 5,000 का चालान कर दिया। क्या कोई आज तक सरकार ने ये सोचा है कि हम IPC में परिवर्तन करें? क्या सरकार ने आज तक ये सोचा है कि हम कड़े कानून बनाएं और जो बैंक का लोन पे नहीं करेगा उसको उठा के हम जेल में डाल दें? अगर सरकार ऐसा कड़ा कानून बना दे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि बैंकों को जो कर्ज है वो डूबे और कोई उसका लेकर उसको भाग जाए। आप पहले ही कड़े कानून बनाइए ना। आप कोई एक ऐसा कानून तो बता दीजिए कि अगर कोई आदमी बैंक का लोन नहीं चुकाता तो आप उसकी कोई ID कैंसिल कर देते हो। अभी जैसे कड़े कानूनों की आप बात कर रहे हैं, कानून है लेकिन कोर्ट में तारीखों पे तारीखें लगती हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कैसे? उसके लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। आपको आप उसका इनकम वाइज कर दीजिए। अगर किसी का छोटा लोन है तो आप उसकी सुनवाई जो है रेगुलर कोर्ट में कराइए। लेकिन आपको पता है कि 1 करोड़ रुपया अगर कोई लेके भाग रहा है तो आप उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका फैसला कराइए। जब हमारे देश में न्याय के लिए, और जब और क्राइम होता है, जब किसी के साथ रेप होता है, कुछ और होता है, तब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की जाती है ना, तो लोन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं सेटअप की जाती? उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की जाए, जिसका बड़ा लोन है उसकी इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाए। अभी जैसे निजीकरण किया जा रहा है, अलग अलग सेक्टर्स का किया भी जा चुका है, बैंकों की भी बारी आ रही है। तो जैसे आपने टोल की बात उठाई, ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिसमें सरकार की कई नीतियां फेल हैं, ऐसा लोग कहते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? आप देखिए, निजी बैंकों को जब भी निजी बैंक पहले अस्तित्व में थे, क्या वो सक्सेस रहे, क्या वो फेल नहीं हुए? जब वो फेल होते हैं तो उनको उठा के सरकार अपने सरकारी बैंकों में मिलाती है। अब देखिए, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, वो फेल हो गया था, उसको उठा के OBC में मर्ज कर दिया गया। जब आप निजी बैंकों को उठा के सरकारी में मर्ज कर रहे हो तो आप सरकारी को निजी किस लिए कर रहे हो? आप कड़े कानून बनाओ, आप नियम बनाओ, आप लोन लेंडिंग के लिए आप कड़े कानून बनाओ ना कि अगर कोई लोन नहीं चुकाएगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। आप अपने नियमों को करो ना। और जो बैकडोर से जो लोन बड़े बड़े फंडिंग की जाती
जाती है, मल्टी जो घरानों बड़े बड़े घरानों को फंडिंग की जाती है, उसका उसके पीछे आप उसका कड़ा कानून बनाइए, देखिए उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी रखी है और कितना वो लोन ले रहे हैं, क्या वो जायज है। नियम कानून की जरूरत है और उसको सख्ती से पालन करने की जरूरत है। लग रहा है कि सरकार इस कड़ी में इस कदम में विफल हो रही है। बिल्कुल विफल हो रही है। आप देखिए कोई निजी संस्था है जब किसी निजी हाथ में जाती है सबसे पहले कर्मचारियों का शोषण होता है, कर्मचारियों को निकाला जाता है। जब एक कर्मचारी का शोषण होगा, एक आप देखिए सरकारी कर्मचारी है उसको अपनी नौकरी की चिंता है, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, वो सरकार के नियम कानूनों में बंध के रहेगा। अगर एक नौकरी ही प्राइवेट है, उसको पता है कि आज मैंने यहाँ करना है, कुछ भी कर जाओ, मैंने कल दूसरी जगह ज्वाइन कर लेना है, तो वो क्यों उसका उससे लगाव नहीं रहता। सरकारी जो बैंक है हमने अपने खून पसीने से इनको सींचा है, सरकार की हर एक नीति को हमने रात को 11-11, 12-12 बजे तक बैठ के हमने सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया है। क्या प्राइवेट बैंक ऐसा कर सकते हैं? आप सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों के जब खर्चों में आप देखेंगे तो आपको दुनिया भर का उसमें बढ़ावा मिला देखने को मिलेगा। ऐसा ही किसानों ने भी मांग उठाई थी और आप भी उठा रहे हैं कि ये धरना और आगे बढ़ने वाला है। देखिए ये हमारी सरकार को चेतावनी है, वो जो सदन में बिल रखने जा रही है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, हमारी ये चेतावनी है 2 दिन की स्ट्राइक। अगर उन्होंने इस बिल को उसमें पास किया तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जो हमारा UFU यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बैंक यूनियन है जिसमें पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन से ऊपर है और सारे देश को अलग अलग बैंकों की यूनियन उसके अंदर आती है, उनका ये ज्वाइंट डिसीजन है कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी या इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि आपने सुन ही लिया है कि कुल मिला के मांग इन्होंने क्या बताई है। बात की जाए तो यहाँ पर अभी इनका धरना जो है चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।